नमस्कार एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मेरा नाम नेहा नागरानी है और हम लोग अपने 12th अकाउंट्स के सिलेबस में अभी पार्टनरशिप बेसिक चैप्टर कर रहे हैं, जिसमें अभी तक हमने पार्टनरशिप बेसिक्स के सारे कंसेप्ट्स कर लिए हैं और इलस्ट्रेशन 6 तक हमने कर लिया है। आज हम उसके आगे वाले इलस्ट्रेशन के साथ प्रोसीड करेंगे। ओके, तो आज हम इलस्ट्रेशन 7 से स्टार्ट करते हैं। अब इलस्ट्रेशन 7 क्या बोलता है देखते हैं। इलस्ट्रेशन 7 में है, अनुपम एंड अभिषेक आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2। ओके, मतलब अगर मैं रफ वर्क करती जाऊं तो मैं ये देख रही हूँ कि इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो 3:2 है। ओके, अनुपम एंड अभिषेक। ओके, कैपिटल अकाउंट का बैलेंस इनका 1,50,000 एंड 2,00,000 है 1 अप्रैल 2019। और हमें क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 31st December के टाइम। ठीक है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑल्टरनेटिव्स, ये चारों चीजें दी हैं, हर ऑल्टरनेट के हिसाब से हमें आंसर देना है। इनका बैलेंस कितना है, 1,50,000 एंड 2,00,000। किस डेट पे है, 1 अप्रैल के दिन 2019। और हमें कब तक का इंटरेस्ट निकालना है, 31st December 2020। ओके, हमें यहाँ तक का इंटर 1 अप्रैल 19 दिया है और 31st December 2020 तक का हमें इंटरेस्ट निकालना है। ठीक है, ओके, क्लियर। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट केस है, एक्चुअली इसमें ईयर जो है वो गलत दिया है, 2019 होना चाहिए था, ये 2020 कैसे हो गया भाई, 31st March दिया होता तो 2020 हो जाता ना, 31st December दिया तो 2019 ही होगा ना। वो प्रिंटिंग मिस्टेक है, उसका कुछ कर नहीं सकते, टेंशन नॉट। एग्जाम में आपसे ऐसे प्रिंटिंग मिस्टेक्स के क्वेश्चंस नहीं आएंगे। ठीक है, 31st December 2020 नहीं, 31st December 2019 होगा। अगर 31st March दिया होता तब 2020 होता ना। ओके, चलो अब पहला क्वेश्चन क्या है, अगर पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट एज टू द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड प्रॉफिट इज 50,000 तो क्या होगा। पहला क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहे हैं, पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, लेकिन साइलेंट कौन से रिस्पेक्ट में है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मतलब पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कोई भी बात नहीं की है, तब क्या होगा। तो हम लोग इसका आंसर थ्योरिटिकली देंगे। थ्योरिटिकली हम क्या आंसर देंगे इसका, कि इफ पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट देन नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी प्रोवाइडेड टू पार्टनर्स, राइट, एंड द प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो गिवन। कौन सा रेशियो दिया है, 3:2, कितना प्रॉफिट, 50,000। ठीक है, हम लिख भी लेते हैं इस आंसर को। इफ पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी प्रोवाइडेड एंड प्रॉफिट ऑफ ₹50,000 विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन रेशियो ऑफ 3:2। ओके, ठीक है, यही इसका आंसर है, थ्योरिटिकल आंसर देना है। सेकेंड है, इफ पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 8%
एंड द फर्म इनकर्ड अ लॉस ऑफ 10,000. आपको अच्छे से पता है अगर लॉस होता है तो उस केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलता, भले ही पार्टनरशिप डीड में दिया हो, बिकॉज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट अ चार्ज, इट इज एन एप्रोप्रिएशन. वो पीएनएल एप्रोप्रिएशन में आता है. तो लॉस के केस में देयर विल बी नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल provided. Okay, so इसका theoretical answer यही हम पढ़ भी लेते हैं. As the firm has incurred loss during the accounting year, no interest on capital will be allowed to any partner. Firm loss और firm का loss partners में उनके ratio में बढ़ जाएगा in the profit sharing ratio. Because you know कि partnership में profit के साथ loss भी आ सकता है. तो जैसे profit sharing ratio में distribute होता है, loss भी profit sharing ratio में distribute होता है. Clear? ठीक है, चलो. सी पार्ट क्या है? इफ द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 8% एंड द फर्म अर्न द प्रॉफिट ऑफ 50,000. ठीक है, पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है कि हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करना है 8% पे और फर्म का प्रॉफिट कितना है 50,000 का. तो अब इस केस में क्या होगा हम इसे देखते हैं. ओके, आई जस्ट रब दिस वन. ठीक है, सी अब इसमें कुछ भी विड्रॉ तो हुआ नहीं है, ना ही कोई एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस हुआ है, राइट? तो 150 और 2 लाख का ही कैपिटल रहा है. ठीक है, अब इस पर अपन इंटरेस्ट निकाल के देखते हैं. ठीक है, अप्रैल से अगर हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, दिसंबर तक हमसे बोला है, मतलब 9 months का इंटरेस्ट लगेगा, राइट? अब इसमें पक्का मुझे लग रहा है डेट गलत दी है. उसका ओपनिंग बैलेंस जो है हमारे पार्टनर का, कौन कौन है हमारे पार्टनर्स, हम देख लेते हैं. अनुपम एंड अभिषेक. तो अनुपम का जो ओपनिंग कैपिटल है वो है 1,50,000. तो उसको कितने पे इंटरेस्ट मिलेगा? 1,50,000 पे. तो 1,50,000 का 8% हमने किया इंटू 9 डिवाइड बाय 12 हमने किया. ओके, 9,000 आ रहा है. ओके, तो मतलब ये कितने मंथ्स का इन्होंने कैलकुलेट किया है, फिर देख लेते हैं हम. हाँ, देखो पूरे साल का 12 months का इन्होंने कैलकुलेट किया है. ठीक है, कितनी ब्लंडर प्रिंटिंग मिस्टेक की है इन्होंने. यहाँ पे ये 31st December नहीं, 31st March है. मैंने बोला था ना, अगर 31st December होता तो यहाँ पे 2019 दिया होना चाहिए था. तो फिर तो अप्रैल से दिसंबर तक 9 महीने हो रहे हैं, तो हमें 9 महीने का इंटरेस्ट ही तो देंगे हम उन्हें जितना पूछा है. क्वेश्चन में दिया है 31st December तक का. ठीक है, लेकिन हमें कितना करना है? हमें मार्च तक का करना है. ओके, तो हमें कैलकुलेट, क्योंकि इन्होंने क्या किया है, पूरे 12 महीने का कैलकुलेट किया है. ठीक है, पूरे 12 महीने का कैलकुलेट किया है इन लोगों ने. ओके, तो हमको ये डेट क्या करनी पड़ेगी? 31st March करनी पड़ेगी. ठीक है, गलत है, प्रिंटिंग मिस्टेक है. सब लोग अपनी बुक्स में प्लीज इसे करेक्ट कर लो, 31st March है, वरना आप लोग कंफ्यूज ही होते रहोगे. यहाँ पे 12 महीने का पूरा इंटरेस्ट कैलकुलेट हुआ है. 1,50,000 का 8%, 12,000 पूरे 12 महीने का कैलकुलेट हुआ है. तो यहाँ डेट गलत दी हुई है, इट इज 31st March 2020. ओके, ठीक है, तो हमने कैसे कैलकुलेट किया है? 1,50,000 का पूरा 8%. ठीक है, उसके बाद हम 2,00,000 का 8% निकालेंगे. सिंपल वो आ जाएगा, 2,00,000 का 8% तो 16,000 ही आएगा ना. हाँ, वो ही आ रहा है. ठीक है, ओके ओके जी. तो ये कितना आ गया हमारा? 12,000. और ये कितना आ गया हमारा? 16,000. ये कितने होते हैं? 28,000. ओके, अब देखो प्रॉफिट सफिशिएंट है, मतलब जितना इंटरेस्ट देना है पार्टनर्स को उससे ज्यादा ही है ना प्रॉफिट. प्रॉफिट कितना है? 50,000 का. और इंटरेस्ट कितना देना है हमें? सिर्फ 28,000 का. तो पहले हम अनुपम को और अभिषेक को, 1 second, मैं पूरे डिस्ट्रीब्यूशन बता देती हूँ. ये है हमारे अनुपम
और ये है हमारे अभिषेक, ठीक है। तो अनुपम को मैंने इंटरेस्ट दे दिया 12,000 का और इसको 16,000 का, टोटल प्रॉफिट कितना है मेरा 50,000। 50 में से मैं 28,000 माइनस करूंगी तो कितना आता है 22,000। रिमेनिंग बैलेंस कितना है 50,000 माइनस 28,000 इक्वल्स टू 22,000। एंड ये 22,000 डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा अनुपम एंड अभिषेक में किस रेशियो में, इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, विच इज 3:2। सी यही लिखा हुआ है, इंटरेस्ट 28 एज द प्रॉफिट इज सफिशिएंट टू पे इंटरेस्ट एट एग्रीड रेट। जो पूरा अमाउंट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का वो अलाउ होगा, और जो रिमेनिंग प्रॉफिट है विच इज 22,000 वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। सिंपल, इट इज अ थ्योरेटिकल क्वेश्चन, तो इसमें फुल कैलकुलेशंस नहीं दिखाई है, सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की पूरी पूरी कैलकुलेशंस दिखाई है, बिकॉज आप क्वेश्चन में देख सकते हैं साफ साफ, क्वेश्चन में साफ साफ पूछा है कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो फर्स्ट केस में बिकॉज पार्टनरशिप डीड साइलेंट है कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा, लेकिन एक एक्स्ट्रा लाइन हमें साथ में लिखनी पड़ेगी बिकॉज प्रॉफिट दिया है कि ये प्रॉफिट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। सेकेंड में दिया है कि लॉस है, भले ही पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया है लेकिन भाई फर्म को लॉस आ रहा है, एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट अ चार्ज ऑन प्रॉफिट, तो इस केस में भी कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, हाँ लॉस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। थर्ड केस में 50,000 का प्रॉफिट आ रहा है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी पार्टनरशिप डीड में दिया है कि 8% से अलाउ करना है, तो कर देंगे, क्या दिक्कत है उसमें, ठीक है। वो हमने निकाला 1,50,000 का 8% और 2,00,000 का 8%, ठीक है, टोटल आ रहा है 28। अब 50,000 में से मैंने 28,000 माइनस किया, क्या आ गया 22,000 रुपए, तो अब ये 22,000 रुपए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। अब अपन पढ़ते हैं फोर्थ केस को। फोर्थ केस में लिखा है पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड करती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% एंड फर्म ऑन द प्रॉफिट ऑफ 14,000। व्हाट डज दैट मीन, दैट मीन कि प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं है, प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं है, प्रॉफिट जो टोटल इंटरेस्ट आ रहा है वो तो 28,000 का आ रहा है, टोटल इंटरेस्ट है 28,000 का जबकि आपका प्रॉफिट ही सिर्फ 14,000 का है। अब आप कैसे दोगे, इस केस में मैंने आपको बताया था जिस केस में इनसफिशियंट प्रॉफिट है, लॉस नहीं है यहाँ पे, जिस केस में इनसफिशियंट प्रॉफिट है उस केस में जितना प्रॉफिट रहता है उस प्रॉफिट को जितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना है उस रेशियो में बांटते हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में नहीं। क्या बोला मैंने, जिस केस में प्रॉफिट इनसफिशियंट रहता है, इस केस में इनसफिशियंट है। इनसफिशियंट क्यों, क्योंकि अनुपम एंड अभिषेक को टोटल जितना इंटरेस्ट मिलना था उससे कम है प्रॉफिट, 28,000 का प्रॉफिट ही नहीं है, बांटोगे कैसे एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इस केस में लॉ क्या बोलता है, इस केस में लॉ बोलता है कोई दिक्कत नहीं है, जितना प्रॉफिट अवेलेबल है ना उसको बांट दो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में, जितना उन्हें इंटरेस्ट मिलना था ना, जितना उन्हें इंटरेस्ट मिलना था उस रेशियो में बांट दो, किसे बांट दो, जितना हमारा अवेलेबल बैलेंस है प्रॉफिट का उसे। तो अब इंटरेस्ट कितना मिलना था ध्यान से देखना, अनुपम अभिषेक, ओके, इन्हें कितना इंटरेस्ट मिलना था 12,000 और 16,000, ठीक है, लेकिन प्रॉफिट कितना अवेलेबल है 14,000 का, तो अब ये 14,000 जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दो 12:16 के रेशियो में, 12:16 के रेशियो में किसे डिस्ट्रीब्यूट कर दो 14,000 को, ये क्या आ जाएगा 4:3 = 4:4 दैट इज 3:4 के रेशियो में, ठीक है, ओके, देखो ध्यान से। तो अपन कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 14,000 3/7 दैट इज 6,000 और 14,000 4/7 दैट इज 8,000, ठीक है। तो ये 6 और 8,000 मिलेंगे अनुपम एंड अभिषेक को किस रेशियो में मिले हैं 3:4 ना कि 3:2, 3:2 के रेशियो में नहीं मिले हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में नहीं मिले हैं, बिकॉज इन दिस केस द प्रॉफिट बैलेंस इज इनसफिशिएंट, प्रॉफिट बैलेंस कम है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से, तो हम जितना भी अवेलेबल बैलेंस है उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इन द रेशियो ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जितना उन्हें मिलना चाहिए था उस रेशियो में, क्लियर। देखो देखो
as the profit is 14, which is less than the amount of interest on capital. So interest will be paid to the extent of what? जितना हमारे पास प्रॉफिट अवेलेबल है उतना, दैट इज 14,000. तो अनुपम एंड अभिषेक को कितने कितने से क्रेडिट करेंगे हम? 6,000 एंड 8,000 से. ये क्रेडिट ही तो होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है? ओके, तो रेशियो आप निकल कर आया 3:4. ओके, ठीक है. हम लोग एक्सरसाइज क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम क्या करेंगे, 3-4 क्वेश्चन विद फुल प्रेजेंटेशन करेंगे. बाकी के हम लोग फास्ट करेंगे, लेकिन 3-4 क्वेश्चन हम लोग विद फुल प्रेजेंटेशन करेंगे, ताकि आपको पता लग सके कि एग्जाम में आपको कैसे प्रेजेंट करके करना है, ठीक है? तो डोंट वरी गाइस, एक्सरसाइज क्वेश्चन में हम 3-4 क्वेश्चन फुल प्रेजेंटेशन के साथ करेंगे, और बाकी के जल्दी, बाकी के मतलब मैं सॉल्व तो सारे के सारे कराऊंगी, लेकिन कुछ प्रेजेंटेशन के साथ भी कराऊंगी, ताकि आपको पता लग सके कि प्रेजेंटेशन एग्जाम में कैसी करनी होती है, ठीक है? ओके, तो वी विल मूव टू आवर नेक्स्ट इलस्ट्रेशन नाउ. और प्लीज उसकी डेट करेक्ट कर लेना, इट इज 31st मार्च 2020. ओके, इलस्ट्रेशन 8, चल लेट्स बिगिन नाउ. इलस्ट्रेशन 8 क्या बोलता है? इलस्ट्रेशन 8 बोल रहा है, जॉन इब्राहिम अ पार्टनर इन मॉडर्न टूर एंड ट्रेवल्स withdrew money, मतलब ये जॉन इब्राहिम पूरा एक बंदा है, एक पार्टनर है टूर एंड ट्रेवल्स का, ये विड्रॉ करता है मनी ड्यूरिंग द ईयर 31st मार्च 2020 फ्रॉम अपने कैपिटल अकाउंट से अपने पर्सनल यूज के लिए, मतलब पर्सनल यूज के लिए पैसे निकालता है, ठीक है? आपको निकालना है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग. अब जब आपको साफ साफ दे दिया कि आपको इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग निकालना है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो ये पैसा विड्रॉ कर रहा है वो ड्रॉइंग्स है, वो परमानेंट विड्रॉल नहीं है, वो ड्रॉइंग्स है, कि आज निकाला कल वापस भी दे सकता है, कुछ महीने यूज करके वापस दे सकता है. तभी एक और वर्ड आपके लिए इंडिकेट करने के लिए लिखा है, पर्सनल यूज, ठीक है? इसका मतलब ये कि कुछ टाइम के लिए अपने पर्सनल यूज के लिए उसे यूज करना है, इसलिए उसने पैसे को निकाला है, यूज करेगा, फिर जब उसको, जब उसके पास पैसे आ जाएंगे वो वापस दे देगा, ठीक है? ये परमानेंट विड्रॉल नहीं है. और क्वेश्चन में साफ साफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग निकालने के लिए बोल रहे हैं, तब भी ये इसलिए ये परमानेंट विड्रॉल नहीं है, ठीक है? ओके, चलो अब हमें इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग निकालना है. सिंपल सिंपल तरीके से अपन निकालते हैं. मैंने आपको इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग के कंसेप्ट में एक एक केसेस बना के दिखाए थे कि डायरेक्ट मेथड से कैसे निकलता है, प्रोडक्ट मेथड से कैसे निकलता है, ठीक है? ओके, अब देखो फर्स्ट क्या है, अगर वो 3,000 रुपए विड्रॉ करता है हर महीने एट द बिगनिंग, मतलब ये क्या है, एक क्रोनोलॉजी, एक सिस्टमैटिक है, हर महीने की स्टार्टिंग में 3,000 रुपए विड्रॉ कर रहा है, तो इस केस में हम क्या लगाएंगे? डायरेक्ट मेथड. डायरेक्ट मेथड कैसे लगा देंगे? हम सबसे पहले एवरेज पीरियड कैलकुलेट करेंगे. हम लोग कैसे कैलकुलेट करते थे एवरेज पीरियड, कि कितने टाइम तक ड्यू रही है इसकी फर्स्ट ड्रॉइंग और कितने टाइम तक ड्यू रही है इसकी लास्ट ड्रॉइंग, डिवाइड बाय 2. अगर हर महीने की पहली तारीख को ड्रॉ कर रहा है तो पहली ड्रॉइंग कितने महीने के लिए ड्यू रही? 12 महीने. और आखिरी ड्रॉइंग कितने महीने के लिए ड्यू रही? आखिरी महीने की पहली तारीख को ड्रॉ कर रहा है, मतलब कितने महीने के लिए ड्यू रहा पैसा? 1 महीना. कितने महीने का इंटरेस्ट लगेगा? 1 महीने का, ठीक है? तो दिस इज 13/2 विच कम्स टू 6.5. अब इस पर कैसे निकालेंगे? एवरेज पीरियड का कॉन्सेप्ट मैंने कंसेप्ट में बहुत अच्छे से बताया था, किसी को कोई दिक्कत है तो वो कंसेप्ट वीडियो रेफर कर सकता है, और अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है? अब देखो, अब ये कैसे निकलेगा, कितनी ड्रॉ कर रहा है? 3,000 रुपए, मतलब पूरे महीने में कितनी ड्रॉ करेगा वो? 3,000 × 12 आएगा 36,000, राइट? या 36,000, है ना? 3 महीने कितने ड्रॉ कर रहा है? 3,000 रुपए हर महीने ड्रॉ कर रहा है, तो टोटल ड्रॉइंग्स उसकी कितनी हो गई पूरे साल की? 36,000. कैसे निकाला मैंने? 3,000 × 12. अब इस पर मुझे कितना इंटरेस्ट चार्ज करना है? 9%. कितने महीने के लिए?
6.5 डिवाइड बाय 12, क्योंकि इंटरेस्ट तो हमेशा पर एनम का रहता है, मुझे 6.5 मंथ का निकालना है। ये 6.5 मंथ है, मतलब एवरेज पीरियड का मतलब क्या होता है, ऑन एन एवरेज कितना कितने टाइम तक ये पैसा ड्यू रहा। जैसे पहली ड्रॉइंग का पैसा 12 महीने ड्यू रहा, आखिरी ड्रॉइंग का पैसा 1 महीने ड्यू रहा, तो ऑन एन एवरेज पूरे साल का पैसा कितने टाइम के लिए ड्यू रहा। ठीक है, ऑन एन एवरेज पूरे साल का पैसा कितने टाइम के लिए ड्यू रहा वो निकालते हैं अपन। ठीक है, ओके, पूरे साल के लिए कितने टाइम का पैसा ड्यू रहा, ठीक है, ऑन एन एवरेज, तो वो निकलता है डायरेक्ट मेथड से। और ये तभी निकल सकता है जब क्या हो जी, क्या हो, सिस्टमैटिक ड्रॉइंग्स हो, मतलब हर महीने की स्टार्टिंग, हर मंथ की एंडिंग, हमने कॉन्सेप्ट्स में बहुत अच्छे से कवर किया है। ओके, ठीक है, चलो तो अब ये कैसे निकलेगा, 36,000 इंटू 9% इंटू 6.5 डिवाइड बाय 12, राइट, ओके, तो 1755 ये निकल कर आ रहा है, राइट, ठीक है। अब आप लोग को कैलकुलेटर तो अलाउड नहीं होगा, ओके, और ये 6.5 करना आपके लिए डिफिकल्ट कैलकुलेशन होगा, तो आप लोग इसे कैसे करेंगे, 36,000 इंटू 9/100 इंटू, ये क्या आ रहा है, मिक्स्ड फ्रैक्शन, 13/2 आ रहा है ना, 13/2 इंटू 1/12, ये डिवाइड बाय 12 है, डिवाइड बाय 12 भी दिया है ना, राइट, ये डिवाइड बाय 12 ही दिया है, ओके, तो क्या आ जाता है, ये 1/12, अब जो कट सकता है उसे हम काट देंगे, ठीक है, ओके, बाकी तो शायद कुछ कट नहीं रहा है, हाँ 360 ये कट जाएगा, ठीक है, 2 1 2 3 16 2 8 180, ओके, देन 2 6 2 90 है ना, फिर 3 2 3 30 ओके, और 2 15 बस, इस तरीके से भी आंसर आ सकता है, बिकॉज कैलकुलेटर तो अलाउड नहीं है ना आपके एग्जाम में, तो आपको 13/2 लिखना पड़ेगा 6.5 से। अगर को आप लोग जल्दी कैलकुलेट कर सकते हो तो वो भी यूज कर सकते हो, मैंने थोड़ा सिंपल बता दिया कि 13/2 से करोगे तो इजी कैलकुलेशन हो जाएंगे, ओके, चलो अब नेक्स्ट पे बढ़ते हैं अपन लोग। हम प्रेजेंटेशन एनसीईआरटी का ही फॉलो करेंगे, क्यों, बिकॉज एग्जाम में जो चेकर होते हैं वो एनसीईआरटी का ही सॉल्यूशन रहता है उनके पास, तो इसलिए हाँ थोड़ा बहुत डिफर कर सकते हैं, लेकिन मेन हम ये कोशिश करेंगे कि हमारा प्रेजेंटेशन एनसीईआरटी से ही मैच हो। अब रट तो कोई नहीं सकता है स्टेप्स, ठीक है, लेकिन मतलब अगर हम मेथड बना ले तो एटलीस्ट हमारा अप्रोक्सीमेटली बहुत ज्यादा मैच हो जाएगा एनसीईआरटी के प्रेजेंटेशन से, ठीक है। चलो अब सेकेंड क्वेश्चन क्या है, 3,000 ड्रॉ कर रहे हैं, वो सेम है भाई साहब, एट द एंड ऑफ ईच मंथ, हर महीने की आखिरी तारीख को ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, कर ले, क्या दिक्कत है, टोटल तो अब पहले इस केस में भी हमें एवरेज पीरियड निकालना पड़ेगा, हर महीने की आखिरी, मतलब पहली ड्रॉइंग कितने टाइम के लिए ड्यू रही, 11 महीने, दूसरी जो आखिरी ड्रॉइंग है वो कितने टाइम के लिए ड्यू रही, कितने भी टाइम के लिए नहीं, उस साल में तो कितने भी टाइम के लिए नहीं, क्योंकि लास्ट मंथ की एंड डेट पे आपने ड्यू किया, आपने ड्रॉ करा है, अब वो पैसा कितने टाइम के लिए ड्यू रहा, कुछ भी नहीं, आपने आखिरी महीने की आखिरी तारीख को पैसा ड्रॉ किया, तो उस साल वो पैसा कितने टाइम के लिए ड्यू रहा, कितने टाइम के लिए निकाला है, जीरो, उस साल तो कुछ नहीं, ठीक है, डिवाइड बाय 2, तो दैट कम्स टू 5.5 मंथ। अब डायरेक्ट करेंगे वही 36,000, 9%, 5.5 डिवाइड बाय 12, आंसर आ जाएगा इससे, 36,000 इंटू 9% इंटू 5.5 डिवाइड बाय 12, 1485, ओके, पर आप लोग एग्जाम में 11/2 यूज करना तो इजीली कैलकुलेट कर लोगे, क्योंकि वो कट जाता है तो फिर कैलकुलेशन इजी हो जाता है, ठीक है, ओके, चलो अब हम सी पार्ट पे आते हैं। अब सी पार्ट पे आप देखना कोई भी सिस्टमैटिक ड्राइंग नहीं है, C
सी पार्ट में हमारी कोई भी सिस्टमैटिक ड्रॉइंग नहीं है. अब हम क्या करें, देखो साफ साफ लिखा हुआ है, इफ द अमाउंट विड्रॉ आर 12,000 ऑन 1st जून, 8,000 ऑन 31st अगस्त, 3,000 ऑन सेप्टेम्बर, 7,000 ऑन नवम्बर, 6,000 ऑन जैन, मतलब अलग 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 दिया हुआ है. ठीक है, तो डायरेक्ट मेथड तो लगा नहीं सकते, एवरेज पीरियड लगा नहीं सकते, क्योंकि कभी कब ड्रॉइंग करिए कभी कब ड्रॉइंग करिए. तो अपन इसमें क्या करेंगे, एक स्टेटमेंट बनाएंगे. स्टेटमेंट शोइंग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग. ठीक है, ओके. अब अलग अलग अपन निकालेंगे, पहली ड्रॉइंग कब करी है, और ईयर तो 31st मार्च ही है. ठीक है, पहली ड्रॉइंग करिए 12,000 की 1st जून को, 1st जून दैट इज द डेट. अमाउंट कितना ड्रॉ किया है, 12,000. ठीक है, तो अब इंटरेस्ट इस पे कैसे निकलेगा, 12,000, इंटरेस्ट रेट इज 9%. ठीक है, अब कितने महीने के लिए निकालोगे इस पर इंटरेस्ट, खुद कैलकुलेट कर लो. जून से मार्च तक, अप्रैल मई, 2 महीने हटा दो, जून से है, मतलब 10 महीने का इंटरेस्ट निकलेगा इस पर. ठीक है, ये आ जाएगा, ओके. 12,000 इंटू 9% इंटू 10 डिवाइड बाय 12, ये आ गया 900. ठीक है, अब दूसरी ड्रॉइंग कब करी है इसने, 31st अगस्त के दिन, कितनी, 8,000. सेम वैसे ही निकलेगा, 8,000 इंटू 9/100. अब इसमें मंथ कैलकुलेट करने पड़ेंगे, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च. ठीक है, 7 महीने का. ठीक है, सिंपल. 8,000 का 9% इंटू 7 डिवाइड बाय 12, विच कम्स टू 420. ओके, ठीक है, अब निकालना है हमें 30 सितंबर के दिन कितने ड्रॉ करे हैं, 7,000. तो 7,000 इंटू 9/100, इंटरेस्ट रेट तो सेम है, कितने महीने हो गए ये, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीने. सेवन थाउजेंड का 9% 30 आ रहा है, राइट, उसका डिवाइड बाय 2 करेंगे. 7,000 का 9%, ओके, 6 मंथ्स का इंटरेस्ट है, डिवाइड बाय 2, विच कम्स टू 315. ओके, नेक्स्ट हमारा क्या है, ध्यान से देखना, 30 सितंबर डन हमारा. फिर है 30 नवंबर के दिन 7,000 अगेन. 1 सेकेंड गाइज, 12,000 फर्स्ट जून के दिन ड्रॉ करें, ये हो गया. 8,000 31st अगस्त के दिन ड्रॉ करें, ये हो गया. सितंबर में तो 3,000 ड्रॉ कर रहे हैं. ठीक है, तो 3,000 का 9%, ओके, 270 डिवाइड बाय 2, 135 आ रहा है. ठीक है, फिर 30 नवंबर को 7,000 ड्रॉ करे हैं, और 31st जान के दिन कितने ड्रॉ करे हैं, 31st जान के दिन 6,000 ड्रॉ करें. ओके, तो ये 7,000 पे जो 9% है, ये कितने महीने के लिए आएगा, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 4 मंथ्स का. ओके, और ये 6,000 पे जो 9% आएगा, ये तो 3 महीने का, फरवरी, मार्च, सॉरी 2 महीने का बस. ठीक है, अब कैलकुलेट कर लेते हैं इसको. सेवन थाउजेंड का 9% इंटू 4 डिवाइड बाय 12, विच कम्स टू 2,110. ठीक है, स्पेस नहीं छोड़ा मैंने, 2,110. एंड 6,000 का 9%, ओके, इंटू 2 डिवाइड बाय 12, विच कम्स टू 90. ओके, ये हमारा टोटल इंटरेस्ट आ गया, मैच कर लेते हैं. ठीक है, 900, ठीक है, 420, ठीक है, 135, ठीक है, 2,110, ठीक है, 90, ठीक है. ओके, क्लियर. देखो क्या करा है इसमें, वेरी सिंपल, बिकॉज इसमें डायरेक्ट मेथड तो लग नहीं सकता, अलग अलग डेट पे ड्रॉइंग करी है, तो हमने इसमें क्या किया,
हमने इसमें सिंपल सिंपल ध्यान से सुनना, सिंपल सिंपल हर डेट की ड्राइंग का इंटरेस्ट निकाल लिया। अच्छा फर्स्ट जून के दिन ड्राइंग करिए कितना इंटरेस्ट होगा, अच्छा 31 अगस्त के दिन की है कितना इंटरेस्ट होगा, इस तरीके से टोटल पूरे साल का जो इंटरेस्ट आएगा वो निकालेंगे। क्या करेंगे, टोटल करेंगे 900+420+135+210+90 which comes to 1755. ओके ठीक है, क्लियर। चलो सेवन क्वेश्चन हमने बहुत अच्छे से कर लिया, एट क्वेश्चन का भी मैं थोड़ा सा समरी बता देती हूँ। हमने क्या किया, हमसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पूछा जा रहा है और सेकंड इंडिकेटर ये भी है कि पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाला जा रहा है, मतलब इट इज अ ड्राइंग, इट इज नॉट अ परमानेंट विड्रॉल। क्लियर हो गई ये बात। अब फर्स्ट और सेकंड पार्ट तो इजी है, 3000 रुपए विड्रॉ कर रहे हैं एट द बिगनिंग, सेकंड में लिखा है 3000 रुपए विड्रॉ कर रहे हैं एट द एंड। ओके इसमें डायरेक्ट मेथड लग जाएगा, डायरेक्ट मेथड कैसे, पहले एवरेज पीरियड निकालो, एवरेज पीरियड निकालो। अब क्या करो, टोटल ड्रॉइंग्स इंटू इंटरेस्ट रेट, टोटल ड्रॉइंग पूरे साल की, तो टोटल ड्रॉइंग इंटू इंटरेस्ट रेट इंटू एवरेज पीरियड डिवाइड बाय 12 कि ऑन एन एवरेज हमने कितने टाइम तक पैसा ड्यू रखा और पूरे 12 महीने में कितना ड्यू रखा, मतलब डिवाइड बाय 12 तो करेंगे बिकॉज इंटरेस्ट रेट हमेशा 12 महीने के लिए दिया होता है, तो 9% का इंटरेस्ट तो 12 महीने के लिए, हमें सिर्फ 6.5 मंथ का चार्ज करना है ना भाई, क्योंकि पैसा ऑन एन एवरेज 6.5 मंथ ही ड्यू रहा है। सेकेंड में क्या करा, 5.5 मंथ ड्यू रहा। थर्ड में हम लोग डायरेक्ट मेथड नहीं लगा सकते, हम अलग 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 डेट का इंटरेस्ट निकालेंगे, अलग अलग डेट का इंटरेस्ट निकालेंगे कैसे, कौन सी डेट पे कितना पैसा ड्रॉ करा इंटू इंटरेस्ट रेट इंटू कितने टाइम के लिए ड्यू रहा, वो पैसा कितने टाइम के लिए ड्यू रहा, उस हिसाब से हमारा क्या निकल जाएगा, इंटरेस्ट। फिर पूरे साल का टोटल इंटरेस्ट हम टोटल करके दिखा देंगे। ओके ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास गाइस। अभी तक हमने अपना इलस्ट्रेशन 7th and 8th कंप्लीट कर लिया अच्छे से। कोई भी डाउट आता है आपको आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कंसेप्ट में कोई डाउट आता है तब भी आप पूछ सकते हैं, या फिर कंसेप्ट वीडियोस भी देख सकते हैं बिकॉज कंसेप्ट वीडियो में हमने हर पार्ट बहुत डिटेल में डिस्कस किया है। जहां तक बात रही प्रेजेंटेशन की, तो डोंट वरी अबाउट दैट ऑल्सो, हम एक्सरसाइज क्वेश्चंस में सब मोस्टली क्वेश्चंस हम ट्राई करेंगे कि हम प्रेजेंटेशन के साथ करें, ताकि आपको ये पता लग सके कि एग्जाम में आपको किस तरीके से प्रेजेंट करके क्वेश्चन करना है। ठीक है, तो हम ये बात भी ध्यान रखेंगे कि हम प्रेजेंटेशन के साथ करें। ओके और फुल अकाउंट वीडियोस के लिए एंड बाकी सारे सब्जेक्ट के वीडियोस के लिए प्लीज सब्सक्राइब वर्ल्ड ऑफ कॉमर्स क्लासेस। थैंक यू सो मच, बाय।